हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने स्थानों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और दिन है आज 9 तारीख का, 9 तारीख का दिन है और बुधवार है। और आज धूप काफ़ी अच्छी है, देखिए मौसम बिल्कुल साफ है और ऐसा मौसम काफ़ी अच्छा लगता है। और काफ़ी दिनों के बाद अब धूप निकलने स्टार्ट हुई है और गर्मी गर्मी लग रही है थोड़ी थोड़ी, इतनी ठंड नहीं रही अब। और पतिदेव चले चले गए हैं ऑफिस और मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया है। अभी नाश्ता खाए किया नहीं है, मतलब बना लिया है। और अब दोपहर के लंच की तैयारी करते हैं, तो दोपहर में बना रहे हैं हम राजमा की दाल, जो हमारे पहाड़ी राजमा होते हैं ना, जो हिल एरिया में होते हैं, वो हम बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं वो। ये देखिए ऐसे होते हैं, ये इनका कलर थोड़ा येलो येलो होता है और छोटे होते हैं साइज़ में। और ये इतने स्वाद बनते हैं ना कि क्या कहने, दूसरी राजमा के अकॉर्डिंग ये जो दाल होती है ना, ये काफ़ी टेस्टी बनती है और हेल्दी होती है। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहे ब्लॉग में। तो लीजिए, मैं यहाँ पे गैस साफ़ कर रही थी और सेल्फ वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। लेडीज़ का रोज़ाना का काम है, अगर किचन में काम करते हो, अगर गैस पे अगर थोड़ी देर भी काम करते हो तो भी आप गैस में बिखरा बिखरा हो जाता है, तो साफ़ करना ही पड़ता है आपको।
ये देखिए साफ़ कर लूँगी मैं अच्छी तरह से गैस को। अगर रोज़ के रोज़ साफ़ ना करें ना तो गैस काफ़ी गंदी हो जाती है फिर, तो रोज़ के रोज़ ही इसको साफ़ करना चाहिए। ये देखिए अब मैं सिंक भी साफ़ कर लूँगी, सिंक भी अच्छी तरह से क्लीन होनी चाहिए, नहीं तो कॉकरोच या दूसरे कीड़े मकोड़े काफ़ी आ जाते हैं। इसलिए रोज़ाना ही दिन में एक बार तो ज़रूर ही साफ़ करनी चाहिए, चाहे सुबह करो चाहे शाम करो, एक बार तो ज़रूर करना चाहिए ये काम। इस तरह से अपना अच्छा होता है, अपनी सहूलियत होती है, अपने आप को देखने में अच्छा लगता है। साफ़ सफाई में रहना चाहिए हमेशा ही, सभी बीमारियों से दूर रहेंगे और साफ़ सुथरा अगर हर किसी को अच्छा लगता है। अब मैं पानी डाल के अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लूँगी। हमारा झाड़ू वगैरह लग गया है और मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, गैस वगैरह जो है साफ़ कर दी है, और अब हम चलेंगे पशुओं के पास, पानी पिलाएंगे, घास डालेंगे और भी काम है जो मतलब लकड़ी वगैरह बांधने के लिए वो करेंगे। तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या लगा हो तो लाइक करना। तो बने रहे ब्लॉग में, तो आपके साथ अगले काम शेयर करते हैं। मशीन तो पूरी भर गई है, थोड़ा सा पानी ड्रेन कर देते हैं, पूरा भर गया, मैं लगा के गई थी ना, पानी तो काफी भर गया ये। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तो लीजिए कपड़े हमारे धुल चुके हैं, पौने डस्टर हर एक चीज़ धुल चुकी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को कर देती हूँ एंड। तो मेरा बसदा रहे हिमाचल, खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो, बाय।